हिंदू मंदिरों को बार बार अपना निशाना बनाना, बार बार हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। गलती से एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन अगर बार बार हो तो इसे क्या समझा जाए? कोई मकसद, कोई चाल या फिर कोई साजिश? इस बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि मंदिर पर हमला और भारत विरोधी नारेबाजी चिंता का विषय है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि कनाडा में कैसे फिर से एक बार हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया और कैसे एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या को बेमतलब भारत से जोड़ा गया और आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर को अपना निशाना बनाया। जिस मंदिर को निशाना बनाया है उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर प्रांत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है। शनिवार को आधी रात में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने यहाँ एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और मुख्य दरवाजे पर नकाबपोशों ने भारतीय समुदाय के बीच खौफ पैदा करने के लिए खालिस्तानी हरदीप निज्जर की मौत पर जनमत संग्रह के पोस्टर्स भी चिपका दिए। अब हम आपको बताएंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सर्रे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का प्रमुख था। 18 जून की शाम दो अज्ञात लोगों ने गुरुद्वारा परिसर में हरदीप सिंह की हत्या कर दी थी। हरदीप गुरुद्वारा साहिब का प्रमुख होने के अलावा खालिस्तानी टाइगर फोर्स संगठन का भी प्रमुख था। वो कनाडा में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले मुख्य अलगाववादियों में से एक था। दरअसल हरदीप की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हरदीप के एक सबसे करीब रहे व्यक्ति ने खुलासा किया है कि कनाडा की एजेंसियों ने भारत से उसकी जान को खतरा होने की बात को नकार दिया। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही हरदीप को बता दिया था कि उसे निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए वह अपनी लोकेशन बदलता रहा और उसने ठीक वैसा ही किया था। बता दें कि बीते एक साल में 6 से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब मंदिरों को निशाना बनाया गया और दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। लेकिन इस बीच फिर से एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर खालिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं? क्या मिलता है उन्हें हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर? क्या मकसद है उनका इन सब के पीछे? हम आपको बताते हैं, इसके पीछे का मकसद है कि खालिस्तानी प्रोपोगंडा के नाम पर फंड इकट्ठा करना और सिख युवाओं को आकर्षित करना, देश में नफरत फैलाना, देश का बंटवारा करना, भारत विरोधी बातें लिखना और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कनाडा के अधिकारियों से कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करे, जिससे देश में नफरत नहीं फैले, देश विरोधी नारे नहीं लगे, झगड़े लड़ाई दंगे ना हो और सभी समुदाय के लोगों के बीच में शांति बनी रहे और देश में शांति का माहौल हमेशा कायम रहे। शुक्रिया।